यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी के तहत सपा में कई नेता शामिल हुए हैं। इसमें कुछ पूर्व सांसद और कुछ विधायक भी थे। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया। इस दौरान अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। बता दें कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होना निश्चित है और इसकी तैयारी आज हो रही है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी की सरकार का जाना तय है, इसलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसलिए बदल गई है क्योंकि यूपी की जनता बदलाव और खुशहाली चाहती है। जनता सपा सरकार में शुरू किए गए कामों को दोबारा चाहती है। आज के दौर में किसान, व्यापारी, युवा, हर वर्ग के लोग दुखी हैं। अखिलेश ने कहा है कि अभी तक सरकार नाम और रंग बदल रही थी, लेकिन सपा के कामों को अपना बता रही थी। अब योगी सरकार दूसरे राज्यों और देश के फोटो को चुरा कर अपना काम बता रही है। युवाओं ने बीजेपी को दिखा दिया है कि विकास क्या होता है। सरकार में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जिसका उद्घाटन किया गया हो। सीएम ऐसा एक भी काम नहीं बता सकते हैं जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो और उनका उद्घाटन भी किया हो। अखिलेश ने कहा है कि हाल ही में सीएम योगी कुशीनगर गए थे और सीएम पहले भी वहां गए थे। उस दौरान गरीबों, बच्चों में साबुन और शैम्पू बंटवाए गए थे। अखिलेश ने कहा है कि ये सब इसलिए बंटवाए गए क्योंकि गरीबों, किसानों की बदबू ना आए। वहीं बता दें, इस बीच अखिलेश यादव ने मोदी सरकार और योगी सरकार की भी पोल खोल दी है और नए कई खुलासे किए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।